हेलो दोस्तों, आजकल बहुत सारे मेल्स कई सारी परेशानियों से सफ़र करते हैं, जिसमें कि मेनली उनकी जो बीमारियां हैं वो वीकनेस या फिर सेक्सुअल डेबिलिटी, स्पर्मेटोरिया, धात्रो, ये सब हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके लिए एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथी की मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, और इस वीडियो को देखने के बाद आगे आपको इन सब परेशानियों से कभी भी सफ़र नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर शर्मा श्रीपण में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग प्लीज लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया है उसको भी जरूर दबा दें, जिससे कि हमारे सभी वीडियोज कि जो नोटिफिकेशन है उन्हें मिलते रहें और हमारा कोई भी वीडियो उनसे मिस ना हो पाए। दोस्तों, हमारी पहली परेशानी है इम्पोटेंसी। दोस्तों, जिसको हम हिंदी में नपुंसकता कहते हैं। दोस्तों, इम्पोटेंसी का मतलब होता है कि जिन मेल्स के अंदर सेक्स करने की इच्छा है, लेकिन उनका जो सेक्चुअल ऑर्गन होता है, जो पेनिस होता है, वो बिल्कुल भी इरेक्ट नहीं हो रहा, या उसमें बिल्कुल भी तनाव नहीं आता है, या कड़ापन नहीं होता है, या फिर कड़ापन होता है लेकिन पूरी तरह से ना हो करके आंशिक रूप से होता है, या बहुत ही कम समय के लिए होता है। दोस्तों, इस बीमारी को हम इम्पोटेंसी कहते हैं। तो ज़्यादातर लोगों में इस बीमारी का जो कारण है वो मानसिक होता है, मेंटल होता है। इसके लिए दोस्तों मेंटल डेबिलिटी या मेंटल एग्जॉशन इसका मेन कारण है। किसी मानसिक तनाव के होने से, किसी टेंशन के होने से, किसी एंजाइटी के होने की वजह से अक्सर ये बीमारी लोगों में देखने को मिलती है। जैसे कि कुछ मेल्स को कोई तनाव है, कोई एंजाइटी है, किसी से भी रिलेटेड, अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड, या मान लीजिए आपकी नौकरी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, या कोई भी परेशानी है जिसकी वजह से आप टेंशन में रहते हैं, या बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी है आपको, इसकी वजह से आपके सेक्चुअल ऑर्गन पे पूरी तरह से उसका इफेक्ट आता है, और आपका सेक्चुअल ऑर्गन अच्छे से वर्क नहीं करता है ड्यूरिंग सेक्चुअल इंटरकोर्स, या संभोग के समय आपके पेनिस में अच्छे से तनाव नहीं आ पाता है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको डेमियाना मेडिसिन लेनी होती है। दोस्तों, डेमियाना मेडिसिन के द्वारा जो एक अगली बीमारी है जो मेल्स में पूरी तरह से ठीक की जाती है, वो है प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज। दोस्तों, बहुत सारे मेल्स में यूरिन करने के दौरान एक चिपचिपा पदार्थ जैसा निकलता है, जिसको हम प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज बोलते हैं, या फिर मेडिकल में इसे प्रोस्टेटोरिया बोलते हैं। दोस्तों, क्योंकि मेल्स के अंदर एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, जो कि एक एसेसरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है, जो कि सेक्स के दौरान लुब्रिकेशन को सीक्रेट करता है, और आपको सेक्स करने में स्मूथनेस उससे प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, कुछ लोगों में ये प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज नॉर्मली भी होने लगता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी से फ़ोन पे बात करते हैं या किसी को देखते हैं, और उनके अंदर एक डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है पेनिस से। दोस्तों, ये सारे प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज होते हैं, जो कि डेमियाना मेडिसिन लेने से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों, हमारा अगला जो बीमारी है जो कि डेमियाना मेडिसिन से ठीक होती है मेल्स के अंदर, वो है स्पर्मेटोरिया। दोस्तों, बहुत सारे लोगों में मास्टरबेशन या हस्त मैथुन जैसी गंदी आदतों की वजह से वीकनेस आ जाती है, जिसकी वजह से उनके अंदर स्पर्म का डिस्चार्ज होने लगता है, या सीमन का डिस्चार्ज अपने आप ही स्वतः होने लगता है। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें सोते समय, रात को सोते समय अपने आप ही स्पर्म का डिस्चार्ज हो जाता है, जिसको कि हम स्वप्न दोष कहते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों में स्टूल पास करते समय उनके यूरिन के साथ ही सीमन का डिस्चार्ज हो जाता है, स्पर्म का डिस्चार्ज हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट में डेमियाना मेडिसिन लेने से ये परेशानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगली हमारी परेशानी है जो कि डेमियाना मेडिसिन से पूरी तरह ठीक होती है, वो है सेक्चुअल डेबिलिटी। दोस्तों, जिन लोगों में सेक्चुअल वीकनेस है, कमजोरी है सेक्स रिलेटेड, सेक्स करते समय पूरी तरह से अच्छे से सेक्स नहीं एंजॉय कर पाते हैं, या कमजोरी होने की वजह से बहुत ही जल्दी थक जाते हैं, तो ऐसी समस्या के लिए आप डेमियाना मेडिसिन ले सकते हैं। इसको लेने से आपकी ये परेशानी हमेशा हमेशा के लिए दोस्तों ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि डेमियाना आपको किस पोटेंसी में लेनी है और इसको कैसे लेना है। दोस्तों, डेमियाना मेडिसिन आपको क्यू पोटेंसी यानी मदर टिंचर पोटेंसी में लेनी होती है। डेमियाना मदर टिंचर की 20 बूंदें 1/4 कप सादा पानी में मिलाकर दिन में 2 बार आपको लेनी है। 20-20 बूंदें सुबह शाम लेने से आपकी ये जो परेशानियाँ थी
जो मैंने बताई थी ये हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगी। दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।